मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी गर्माती जा रही है, जिसके चलते हमारे देश में हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। नतीजन मालदीव्स की सरकार को इस विवाद से किनारा करते देखा जाने लगा। वहां की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर डेरोगेटरी कमेंट करने वाले मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि वहां की इकोनॉमी बहुत हद तक टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। आंकड़ों के मुताबिक मालदीव्स में बतौर टूरिस्ट पहुंचने वाले एक तिहाई लोग भारतीय हैं। ये विवाद कब, कहां और किसने शुरू किया ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है, लेकिन अब लोग ये कहने लगे हैं कि मालदीव्स ने भारत का एहसान भुला दिया है। जी हाँ, भारतीय सेना के ऑपरेशन कैक्टस को मालदीव्स को याद करने की जरूरत है। क्या था ऑपरेशन कैक्टस? ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सेना मसीहा नहीं बनती तो मालदीव्स के उस वक्त के प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई होती। क्या है पूरा किस्सा ये जानिए। तारीख थी 3 नवंबर 1988। सुबह का वक्त था जब भारत के विदेश मंत्रालय के दफ्तर में फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से सूचना दी गई कि मालदीव्स में बगावत की आग जल उठी है। हालात ये हो गए थे कि विद्रोही बंदूक ताने मालदीव्स में घूमने लगे थे। ये वही दिन था जब मालदीव्स के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम को भारत आना था, लेकिन भारत के तत्कालीन पीएम राजीव गांधी के किसी कार्यक्रम की वजह से वो दौरा टल गया था। मालदीव्स में बिगड़ते हालातों की वजह से गयूम को छुपना पड़ गया था। वहीं विद्रोही बस ताक लगाए बैठे थे कि गयूम भारत जाए और मालदीव्स में तख्ता पलट कर दिया जाए। जानकारी के मुताबिक इस मकसद को पूरा करने के लिए भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से उग्रवादी संगठन माने जाने वाले PLOTE यानी पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इनम के हथियारबंद उग्रवादी मालदीव्स पहुंचे थे। उस समय के राष्ट्रपति गयूम का भारत दौरा तो टल गया, लेकिन विद्रोहियों के मन में जो बगावत की आग लगी थी वो बुझाई नहीं दी। ऐसे में तख्ता पलट करने की साजिश को उसी वक्त अंजाम देने का प्लान बनाया गया। फिर हुआ ये कि श्रीलंका से आए उग्रवादी पर्यटक बनकर मालदीव्स पहुंचे। यहाँ सवाल ये कि मालदीव्स में तख्ता पलट की साजिश का श्रीलंका से क्या लेना देना, श्रीलंका से क्या कनेक्शन। माना जाता है कि श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव्स के अब्दुल्ला लतूफी ने ही ये साजिश रची थी। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर पर भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का आरोप लगा था। श्रीलंका से आए हथियारबंद उग्रवादियों ने मालदीव्स की राजधानी माले की सरकारी इमारतों को घेर लिया और कब्जे में कर लिया था। देखते ही देखते वहां के सरकारी भवन, बंदरगाह, एयरपोर्ट और टेलीविजन चैनल्स तक उग्रवादियों के कब्जे में थे। वे जैसे तैसे मालदीव्स के तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम तक पहुंचने की कवायद में जुटे हुए थे। ऐसे में गयूम ने भारत समेत अन्य देशों को इमरजेंसी मैसेज भेजा। वो संदेश जैसे ही तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचा, वे तुरंत एक्शन मोड में आ गए। तुरंत ही आगरा छावनी से इंडियन आर्मी की पैराशूट ब्रिगेड के लगभग 300 जवान मालदीव्स की राजधानी के लिए रवाना हो गए थे। 9 घंटे के अंदर ही भारतीय सेना मदद के लिए हुलहुले एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। ये एयरपोर्ट ऐसा था जहां विद्रोहियों का कब्जा नहीं हुआ था। सेना ने उग्रवादियों को ऐसे खदेड़ा। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना की टुकड़ी हुलहुले में लगूंस को पार करते हुए माले पहुंची। इसी बीच केरल के तटीय शहर कोची से भी सेना को रवाना कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना और नौसेना भी एक्शन मोड में आ गई थी। माले के ऊपर मिराज लड़ाकू विमान उड़ान भरने लगे। युद्धपोत गोदावरी और बेतवा भी मोर्चा संभाल चुके थे। माले और श्रीलंका के बीच उग्रवादियों की सप्लाई लाइन को काट दिया गया था। भारतीय सेना को एक्शन मोड में देख विद्रोहियों की हालत खस्ता होने लगी थी। देखते ही देखते भारतीय सेना ने माले के मेन एयरपोर्ट पर भी कब्जा जमा लिया था। राष्ट्रपति गयूम की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई थी और उग्रवादियों को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया गया था। भारतीय सुरक्षा बलों से बचने के लिए उग्रवादियों ने एक जहाज अगवा कर भागने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकन नेवी ने उस जहाज को इंटरसेप्ट किया और भारतीय नौसेना को जानकारी दे दी, जिसके बाद गोदावरी से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। फिर हाईजैक किए गए उस जहाज पर भारतीय मरीन कमांडोज को उतारा गया। कमांडोज और उग्रवादियों की मुठभेड़ में 19 लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि ज्यादातर मारे गए लोगों में उग्रवादी ही थे। ऑपरेशन कैक्टस को पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा ने लीड किया था। भारतीय सेना ने महज 2 दिन में ही ऑपरेशन को खत्म कर दिया था। कई बड़े देशों ने भारत के इस काबिले तारीफ काम की सराहना भी की थी। इस ऑपरेशन की खास बात ये थी कि आजादी के बाद से विदेशी धरती पर यह भारतीय सेना का पहला ऑपरेशन था और सिर्फ एक टूरिस्ट मैप की मदद से सेना ने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार करीब 150 भारतीय सैनिक 1 साल तक मालदीव्स में तैनात रहे थे।
इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स देखते रहें।